हेलो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे और ठीक होंगे। तो हम बात कर रहे थे यूपी कॉलेज एमएससी एंट्रेंस 2020 के क्वेश्चन पेपर के बारे में और देख रहे थे कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया है, इसका आंसर क्या है और पॉसिबल एक्सप्लेनेशन क्या है। तो इसी सीरीज में हम लोग पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड कवर कर चुके थे। आज हम पार्ट थ्री देखने वाले हैं और देखने वाले हैं कौन सा क्वेश्चन कहाँ से, उसका आंसर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पीडीएफ का लिंक रहेगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। ओके, क्योंकि बहुत लोग तो पूरा वीडियो देखेंगे नहीं, तो मैं शुरू में ही बता दे रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, डिस्चीजिया क्या है? डिस्चीजिया रिफ्लिशियाना एक कैसा प्लांट है? तो ये एक एपिफिटिक प्लांट है। एपिफिटिक प्लांट मतलब कि जो दूसरे प्लांट में ग्रो करते हैं लेकिन उससे कोई न्यूट्रिएंट नहीं लेते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। तो डिस्चीजिया रिफ्लिशियाना जो है एक एपिफिटिक प्लांट है। फॉरेस्ट कवर इन इंडिया, दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है फॉरेस्ट कवर इन इंडिया कितना है? तो इंडिया में जो फॉरेस्ट कवर है वो 21.53% है। नीचे एक एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, राइपेरियन इरोजन ऑफ टेक्स प्लेस। तो जब आप सॉयल इरोजन पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि वाटर के द्वारा, एयर के द्वारा और बहुत सारे एजेंट के द्वारा सॉयल इरोजन होता है। तो वाटर के द्वारा मोस्टली तीन प्रकार का होता है, सीट इरोजन, गली इरोजन और रैपेरियन इरोजन। तो रैपेरियन इरोजन जो होता है रिवर, नदी के किनारे टेक्स प्लेस होता है। ओके, एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट इन सीटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो देखिए, इन सीटू होता है, एक सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता है। तो इन सीटू में क्या करते हैं, जो स्पीसीज जहाँ पर प्रेजेंट होती है वहीं भी उसे प्रोटेक्ट कर देते हैं। तो ये हो गया इन सीटू, इसका एग्जाम्पल है सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व। लेकिन एक्स सीटू में क्या करते हैं, एक्स सीटू में जो जो स्पीसीज जहाँ पे प्रेजेंट होता है वहाँ से किसी दूसरे एरिया में लाके उसे प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, तो जैसे बॉटनिकल गार्डन हो गया, क्रायो प्रिजर्वेशन हो गया, सीड बैंक, जीन बैंक। ओके, तो ये सब एक्स सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का टाइप हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन है, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट काज ऑफ डिप्लीशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज। तो जो पहला है वो है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, दूसरा है इन्वेसिव स्पीसीज। तो यहाँ पे हम इविल क्वार्टरेट की बात करते हैं। जब हम बायोडाइवर्सिटी लॉस पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे इविल क्वार्टरेट देखेंगे कि क्या होता है। जैसे इविल क्वार्टरेट में चार कॉज होते हैं, जैसे हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, इन्वेसिव स्पीसीज और ओवर एक्सप्लॉयटेशन, को एक्सटिंक्शन। ओके, तो ये सब जो टर्म है आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे स्विच करते हैं, बिसाइड राइजोबियम अदर सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रोकैरियोटिज। तो राइजोबियम जो है वो सिम्बियोटिकली नाइट्रोजन को फिक्स करता है प्लांट में, ये लेगुमिनस के रूट नोड्यूल में मिलता है। तो यहाँ पे अगर जैसे थोड़ा कन्फ्यूजिंग है तो आप एलिमिनेशन मेथड द्वारा भी निकाल सकते हैं। इस क्रिया को लाई तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में देखा नहीं जाएगा। स्यूडोमोनास जो है वो डीनाइट्रिफिकेशन करता है। एजियोटोबैक्टर हम जानते हैं फ्री लिविंग है, तो क्लेबेसिलिया जो है वो सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में देखा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, असेप्टेट माइसिलियम इज फाउंड इन। तो असेप्टेट माइसिलियम जहाँ पे सेप्टा ना रहे, सिनोसिटिक स्टेज देखने को मिले, तो सेप्रोलिग्निया में ये देखने को मिलता है असेप्टेट माइसिलियम। सिनसाइटियम में तो सुडोमाइसिलियम होता है। एरिप्सी और पक्सिनिया जो है हायर फंजाई है, तो यहाँ पे सेप्टेट देखने को मिलता है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल सेप्टा आर फॉर्म इन द कोनिडिया ऑफ कैनिडिया, हो गया कोनिडिया रहेगा। तो अल्टरनेरिया का जब आप देखेंगे कोनिडिया ना, तो वहाँ पे उसके कोनिडिया के अंदर ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल सेप्टा होता है। बीटी ब्रिंजल हैज़ बीन डेवलप फॉर्म। तो बीटी ब्रिंजल जैसे बेसिलस थ्यूरेंजियंसिस एक सॉयल बैक्टीरियम था, तो उससे क्राइजीन को निकाल के हम प्लांट में इंट्रोड्यूस करते थे, जिसके द्वारा प्लांट के अंदर जो होता है पेस्ट से रेजिस्टेंट डेवलप हो जाता था। ओके, अगला क्वेश्चन, लूजुला क्रोमोसोमर। तो लूजुला एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, लूजुला एलिगेंस बोलते हैं। तो उसका जो क्रोमोसोम होता है वो होलोसेंट्रिक होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, इनुलिन अ स्पेशल टाइप ऑफ स्टार्च फाउंड इन द फैमिली ऑफ। तो इनुलिन जो है वो फ्रक्टोज का पार्ट होता है, वहाँ पे इनुलिन जो होता है फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है, जो कि डहेलिया एस्टेरेसी फैमिली में देखने को मिलता है। ओके, अगला क्वेश्चन, रेशियो 9:9:7 इज रिलेटेड टू। तो ये 9:7 जो होता है रेशियो, कम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन में देखा जाता है। दो जीन जब आपस में इंटर करते हैं तो कोई फिनोटिपिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। और सारा हो गया, जैसे ईपी स्टेटिस में रिसेसिव में 9:9:3:4 दिखा जाता है, डोमिनेंट जो होता है 12:3:1 होता है, और बहुत सारे यहाँ पे रेशियो होते हैं। जैसे लीथल जीन में 2:2:1 देखा जाता है। सप्लीमेंट्री को ही रिसेसिव ईपी स्टेटिस बोलते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है,
अगर बैकग्राउंड नॉइस आ रहा हो तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि लाइट कट गई है और सब बात कर रहे हैं। ओके, तो C4 प्लांट क्या है, इसमें से एग्जांपल कौन सा है C4 प्लांट का, तो सुगर केन है जो C4 प्लांट है। C4 प्लांट में क्या होता है, जैसे C3 में हम देखते थे वहाँ पे फोटो रिस्पायरेशन देखने को मिलता था, और जैसे फोटोसिंथेटिक यील्ड घट जाता था और एक वेस्टफुल पाथवे चलता था फोटो रिस्पायरेशन। लेकिन C4 प्लांट ने क्या किया, उसने अपना मेसोफिल सेल बंडल सीड सेल को अलग कर लिया, तो वहाँ पे फोटो रिस्पायरेशन की फेनोमेना नहीं देखी गई। तो ये एक अच्छा आइडिया था प्लांट के लिए। झूमिंग इज, तो झूमिंग क्या है, एक टाइप का शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। इसमें लोग क्या करते थे, अभी भी शायद कहीं कहीं करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहले मूव करते थे लोग ना, तो जहाँ पे मूव करते थे वहाँ पे साफ़ सफाई करके वहाँ पे अपना खेती करते थे, खाते पीते थे, फिर दूसरी जगह चले जाते थे। तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन था, ठीक है, तो शिफ्ट एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले लोग। अगला क्वेश्चन, ब्लैक टिप ऑफ मैंगो इज ड्यू टू, तो ब्लैक टिप ऑफ मैंगो जो होता है वो कॉज होता है सल्फर डाइऑक्साइड के पॉल्यूशन के कारण। अगला क्वेश्चन है, CO2 कंसंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर इन मॉनिटर्ड बाई, तो हमारे एटमॉस्फेयर में जितना भी CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो उसको मेजर कौन करता है, उस पर नज़र कौन रखता है, तो अमेरिका की एक लैब है मौना लैब ऑफ ऑब्जर्वेटरी, तो वो पूरा ख्याल रखता है इस चीज़ का। ओके, सेमोफाइट ग्रो ऑन, तो सेमोफाइट जो होता है ऐसे प्लांट होते हैं जो सैंडी सॉइल पे ग्रो करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, क्वालिटेटिव कैरेक्टर टू स्टडी ऑफ प्लांट कम्युनिटीज, तो देखिए क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दो चीज़ होते हैं। क्वांटिटेटिव मतलब जिसको हम मेजर कर सके नंबर में, तो नंबर में जैसे फ्रीक्वेंसी कितना नंबर है, डेंसिटी कितना है उसका, एबोडेंस मतलब नंबर से ही बात, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी एबोडेंस सब नंबर से ही बात करें। लेकिन एसिडिक सॉइल मतलब एसिडिक सॉइल में कैसा प्लांट, उसका क्वालिटी क्या होगा ग्रो करने पे, तो उसे हम मेजर करते हैं उसका क्वालिटेटिव कैरेक्टर में। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, ओके, तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। तो देखिए पहला क्या है, एट एनी पॉइंट वैल्यू ऑफ BOD एंड COD वैल्यू इज इक्वल, कह रहा है किसी भी पॉइंट में BOD और COD की वैल्यू इक्वल होती है। नहीं नहीं, BOD का वैल्यू COD से कम होता है, COD ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन, बायोलॉजिकल एक्टिविटी इन मिनिमम इन ह्यूमन, अरे भाई ये तो एकदम पूरा सरासर अन्याय हो रहा है। टीलाडेंसिया इज होलोटाइप, तो होलोटाइप टीलाडेंसिया इसके बारे में मुझे पता नहीं है, कोई प्लांट स्पीसीज है लेकिन होलोटाइप उसे नहीं बोल सकते हैं। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन, C3 साइकिल फाउंड इन C3 प्लांट एज वेल एज C4 प्लांट, ये तो एकदम अच्छे से क्वेश्चन है, आराम से कर लेंगे सब, यही सही है। अगला क्वेश्चन, स्टाइलोपोडियम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फैमिली, तो स्टाइलोपोडियम क्या होता है, ये स्वेलिंग लाइक एक्सपेंशन होता है, ठीक है, बॉटम ऑफ ओवरी पे, जैसे धनिया ओनिया में आप देखेंगे, तो ये धनिया किस फैमिली से, APAceae अम्बली फेरी, तो स्टाइलोपोडियम कहाँ, क्वेश्चन बस यही पूछेगा स्टाइलोपोडियम कहाँ मिलता है आपको, तो आप कह देंगे APAceae मिलता है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे सेलिब्रेटेड ऑन, तो इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे जो होता है सेलिब्रेट किया जाता है 22 मई को, 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे, 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजन डे, 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। ओके, अगला क्वेश्चन है, निगेटिव फोटोब्लास्टिक सीड इज, तो निगेटिव और पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक सीड होते हैं। पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक सीड मतलब जो लाइट में रखने पर ग्रो कर जाते हैं, लेकिन नेगेटिव क्या है, जो ग्रो नहीं कर पाते, तो जैसे ओनियन हो गया, निगेला हो गया, लिली हो गया, तो ये सब नेगेटिव फोटोप्लास्टिक सीड हैं। अगला क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एलिफेंटोपस इज ऑब्लिगेट हेलियोफाइट, ये तो मुझे भी पता नहीं था लेकिन आज पता चल गया कि ये सही है, एलिफेंटोपस जो है ऑब्लिगेट हेलियोफाइट है, मतलब कि बस सन की प्रेजेंस में ही ग्रो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। लाइट इंटेंसिटी इज मेजर बाय पोटोमीटर, नहीं भाई लक्स फोटोमीटर होता है, पोटोमीटर से तो ट्रांसपायरेशन को मेजर करते हैं। रोडोडेंड्रॉन इज फाउंड इन टेम्परेट फॉरेस्ट, ओके ये सही है, तो दूसरा इसका करेक्ट आंसर होगा। विच वन इज नॉट करेक्ट, अगला क्वेश्चन, विच वन इज नॉट करेक्ट, तो देखिए पॉसिबल काज ऑफ डिप्लीशन ऑफ वल्चर इज डिक्लोफेनाक, तो ये तो सही है कि जो वल्चर थे गिद्ध थे ख़त्म हो गए, उसके पीछे डिक्लोफेनाक केमिकल था। अगला पॉइंट, पलास बटुआ मोनोस्पर्मी इज द स्टेट ट्री ऑफ UP, तो देखिए बटुआ मोनोस्पर्मी जो है स्टेट फ्लावर है यूपी का, ना कि ट्री है। ओके, तो यही सही होगा। वैल्यू ऑफ साई फॉर प्योर वाटर इज जीरो, मतलब वाटर पोटेंशियल की बात कर रहा है, जीरो होता ही है सबको पता है। निगेला जो है बिलोंग टू फैमिली रेनरकुलेसी, ओके सही है। अगला क्वेश्चन, स्कोरिंग रसेज इज द कॉमन नेम ऑफ, तो स्कोरिंग रसेज जो है इक्विसीटम का कॉमन नेम है। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने कवर कर लिया यूपी कॉलेज
के MSc एंट्रेंस 2020 का पूरा क्वेश्चन और उसका आंसर और साथ में पॉसिबल एक्सप्लेनेशन भी। तो इसका मैं जो है PDF लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में कुछ टाइम बाद, या हो सकता है कि आप जब वीडियो देख रहे हैं तो लिंक मिल गया हो। ओके, तो चलता हूँ मैं, आपसे मिलूँगा किसी और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।